हे वाई टीबीएस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लास्ट वीक में अपना शिमला का ट्रिप एंजॉय कर रहा था और उस दौरान आप में से बहुत सारे व्यूअर और सब्सक्राइबर मुझे शिमला में मिले। उन लोगों से बात हुई और बात करके इतना अच्छा लगा कि आप लोगों का प्यार और इतना सपोर्ट वाईटी भारत के साथ बना हुआ है, आप लोगों का ट्रस्ट, ये जान करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप वाईटी भारत पर लगातार बने रहिए और आप लोग शिमला की सीरीज भी इंजॉय कर रहे होंगे। अब इस सीरीज के लगभग 4 ही एपिसोड आए हैं, बाकी के एपिसोड में कुछ दिनों बाद लाने वाला हूं, क्योंकि बीच के जो मेरे रेगुलर वीडियोस हैं वो पेंडिंग होते चले जा रहे थे और आप लोगों का सब्र जवाब देने लगा था कि स्नोफॉल की प्रेडिक्शन लेकर के आइए, क्या अप्रैल मई जून में कश्मीर मनाली जाना ठीक होगा, ऐसे बहुत सारे Q&A टाइप के सवाल आप लोग पूछ रहे थे। तो मैंने कहा शिमला सीरीज के वीडियो को थोड़े समय के लिए स्टॉप किया जाए और आपके लिए जो रेगुलर वीडियोस के टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लेकर के आई जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए करके आ गया हूं स्नोफॉल प्रेडिक्शन और ये डेट होने वाली है 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में। दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि स्नोफॉल होने का अब ये लास्ट चांस है, खास करके ऐसे हिल स्टेशनों पर जहां पर आप लोग इंडिया में सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, मनाली, कश्मीर, औली, उत्तराखंड के कुछ डेस्टिनेशन, इसके साथ डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, ऐसे कुछ डेस्टिनेशन है जहां पर सबसे ज्यादा आप चाहते हैं स्नोफॉल को एंजॉय करना। तो सारे डेस्टिनेशन के मैं आपको, जो मैंने आपको नाम बताया, स्नोफॉल प्रेडिक्शन बताने वाला हूं 15 से लेकर के 30 मार्च के बीच में। और अगर आप इस बार नहीं गए तो आपको इस साल लगभग नवंबर एंड तक स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। कश्मीर के अंदर आप पड़ी हुई स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं गुलमर्ग के अंदर जाकर के या सोनमर्ग में। इसके अलावा मनाली अगर आप जाएंगे तो रोहतांग पास आपको जाना पड़ेगा इस स्नोफॉल को देखने के लिए, जो गिरी हुई पड़ी होगी और वो आप एंजॉय कर सकते हैं रोहतांग पास परमिट लेने के बाद। दोस्तों, अगर आपको लाइव स्नोफॉल एंजॉय करनी है तो वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक बने रहना और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरा मोरल बूस्ट हो आप लोग के लिए। इतनी मेहनत करके मैं और मेरी टीम इन वीडियो को लेकर के आती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ बेल आइकन को दबा दो, ऑल को सेलेक्ट कर दो ताकि आगे नेक्स्ट जितने भी वीडियो आ रहे हैं ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले स्नोफॉल प्रेडिक्शन बताते हैं, फिर आपको एक शिमला से आने वाली टॉय ट्रेन के बारे में बहुत गुड न्यूज देंगे, एक आपको न्यूज देने वाला हूं मैं मसूरी के बारे में जो अच्छी न्यूज नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही काम की है अगर आप एक ट्रैवल कर रहे हैं, करने का प्लान बना रहे हैं मसूरी का। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्नोफॉल से और स्नोफॉल में पहले हम चलेंगे जहां पर नहीं हो रही है और लास्ट में बताएंगे कहां पर होने वाली है। सबसे पहले चलेंगे शिमला। शिमला में 15 से लेकर के और 30 मार्च के बीच में स्नोफॉल नहीं हो रही है, आपको रेनफॉल मिलेगी थंडर स्टॉर्म के साथ, यानी कि कड़क करके बिजली के साथ आपको मिलेगी 22 से 23 मार्च अगर आप वहां पर हैं तो आपको थंडर स्टॉर्म मिलेगा, स्नो नहीं मिलेगी। अब चलते हैं उत्तराखंड के औली में। औली में स्नोफॉल अभी नहीं पड़ने वाली है, 18 से लेकर के लगभग 25 मार्च के बीच में लगातार रेनफॉल थंडर स्टॉर्म के साथ होने की संभावना औली में बनी हुई है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अगर आप औली जा रहे हैं तो स्नोफॉल तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको बहुत हैवी रेन मिलने की संभावना बनी हुई है। चलते हैं डलहौजी धर्मशाला में, ठीक 22-23 तारीख को मार्च में आपको रेनफॉल मिलने वाली है। अब चलते हैं हम कहां कहां पर संभावना है स्नोफॉल होने की, जो आप जिसका वेट कर रहे थे। दोस्तों, कश्मीर चलते हैं जो इस साल सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, किसी भी ट्रेवलर के लिए नंबर वन डेस्टिनेशन बना हुआ है अगर वो स्नोफॉल देखना चाहता है उसके लिए। तो मैं आपको बताता हूं 22 और 23 तारीख मार्च में आपको गुलमर्ग या सोनमर्ग में स्नोफॉल मिल सकती है, मैक्सिमम चांस बने हुए हैं गुलमर्ग सोनमर्ग के अंदर स्नोफॉल होने के, पहलगाम में मिल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं मनाली, मनाली के क्या कहने दोस्तों, मनाली में भी 22-23 तारीख को संभावना बन रही है लेकिन हो सकता है ये सोलांग वैली तक पहुंचने में से टाइम लगे। हमटा पास या अटल टनल की बात करें तो यहां पे स्नोफॉल होने की 99.99% संभावना है 22 और 23 मार्च की। तो देर ना करें,
प्लान बनाएं और हो करके आएं, लाइव स्नोफॉल को एंजॉय करें मनाली में और कश्मीर में, जगह मैंने आपको बताई दी हैं। सोलांग वैली में भी चांस है लेकिन कम बने हुए हैं, हमटा पास अटल टनल पे जरूर मिलेगा। और कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग पहलगाम में तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, इसके साथ साथ आपको और कुछ डेस्टिनेशन पर भी मिल सकती है कश्मीर में, लेकिन उसकी संभावना अभी कम बनी हुई है। सोनमर्ग में भी मिल सकती है। अब आगे चलते हैं, आपको शिमला की न्यूज के बारे में बताते हैं। दोस्तों शिमला से बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। दोस्तों शिमला अगर आप ट्रैवल करते हैं तो टॉय ट्रेन का जरूर इंजॉय करिएगा, और अगर आप टॉय ट्रेन मेरी तरह इंजॉय करना चाहते हैं तो YT भारत की ये शिमला सीरीज को आप लगातार देखते रहिए। मैंने टॉय ट्रेन की भी अपना पूरा टूर दिखाया है, कालका शताब्दी का भी दिखाया है, और माल रोड पे कैसे फ्री में घूमे ये भी मैंने बताया है। अब आज की न्यूज देने जा रहा हूं। दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्री ने आज एक ट्वीट किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इस ट्वीट में कहा गया है जो रेल मोटर ट्रेन है, जो हेरिटेज ट्रेन है उनकी और वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने जो घोषित किया है उस रूट पर चलती है। इस टॉय ट्रेन को रेगुलर ट्रेन के रूप में फिर से स्टार्ट किया जा रहा है 18 मार्च 2021 से। आप इस ट्रेन का एंजॉय कर सकते हैं। टाइम टेबल मैं कुछ दिनों बाद शेयर कर दूंगा अपने किसी भी वीडियो के अंदर। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के IRCTC की रेल मोटर कार जिसका नंबर है 04505 और 04506 कालका शिमला कालका रेल मोटर कार, इसको आप बुक करवा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस बहुत ही जबरदस्त ट्रेन और इसके सफर को, जहां पर 900 से ज्यादा कर्व हैं, लगभग 100 से ज्यादा उसके अंदर टनल है। इतना जबरदस्त रूट है जो मैंने एंजॉय किया। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि शिमला में अगर एक्चुअली एंजॉय करना है रास्ते का ब्यूटी का तो आप टॉय ट्रेन से ही बुक करें और जाकर के आप घूम करके आए। मसूरी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मसूरी में अभी सेंट जॉर्ज स्कूल है, वहां पर लगभग 14 जो हमारे स्टूडेंट थे उनको कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए वहां पर गालवे कॉटेज सेंट जॉर्ज स्कूल और बार्लोगंज एरिया में लॉकडाउन लगभग लगा दिया गया है और आप इन एरिया में जा नहीं सकते, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो मसूरी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा अभी अवॉइड करें, आप जा करके वहां पे फंस सकते हैं। इसके अलावा आप एंजॉय करिए कश्मीर में, मनाली में, औली में, जहां भी आप जाना चाहते हैं और स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो मैंने पहले बता दिया 22-23 मार्च को मनाली और कश्मीर में स्नोफॉल को एंजॉय करिए। इसके साथ साथ अगर आप कश्मीर, मनाली, शिमला, ओली कहीं के भी पैकेज बुक कराना चाहते हैं, केरला, गोवा, तो आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करिए, पैकेज को बुक करवा के आइए। और अगर आप पैकेज के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो YT भारत के लास्ट वीडियोस पर जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं, या नेक्स्ट में वीडियोस आने वाले हैं लेटेस्ट समर पैकेजेस के बारे में जो मोस्ट डिमांडिंग रहती हैं, आपके तरफ से जाकर के देखिए और अपने पैकेज को बुक करवा लीजिए अगर अच्छा लगता हो तो। इसके साथ अगर वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल है या पिछले भी कोई सवाल है तो वीडियो पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, 24 घंटे के अंदर मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की ज्यादा से ज्यादा हमेशा की तरह कोशिश करता रहूंगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार।